लोक स्वातंत्र्य संगठन यानी PUCL ने कहा है कि फुलवारी शरीफ के कथित आतंकी मामले में मीडिया की गलत रिपोर्टिंग और पुलिस की गलत बयानी के कारण दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैला और एक खास समुदाय को बदनाम किया गया। गौरतलब है कि नागरिक अधिकारों के संगठन PUCL ने फुलवारी शरीफ में कथित आतंकी मामले और PFI नाम के खुले संगठन की गतिविधियों के संदर्भ में 11 जुलाई से चली आ रही पुलिस की कार्रवाई की जांच की। PUCL ने पटना के अखबार की रिपोर्टिंग की भी समीक्षा की और उसके जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा भी की। PUCL के 6 सदस्यीय जांच दल ने मानवाधिकार के दृष्टिकोण से जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार की और कुछ अनुशंसाएं भी की हैं। PUCL जांच दल ने जो जांच की है उसके अनुसार चूंकि PFI और SDPL प्रतिबंधित संगठन नहीं है, फिर भी सभी जानते हैं कि ये दोनों संगठनों की गतिविधि किसी खास धर्म के लिए है, इसीलिए इन संगठनों को निशाना बनाया गया। जांच दल जिन जगहों पर गई वहां कोई आतंकी गतिविधि नहीं देखने को मिली। जांच दल का मानना है कि बहुत घनी आबादी वाले इस इलाके में हथियार की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा ना ही सुना। यह आरोप अव्यवहारिक लगता है। जांच दल को यह लगता है कि पूरे मामले को विकृत और हिंदू मुस्लिम खेमों में ध्रुवित करके इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री के आगमन का समय चुनकर जानबूझकर गिरफ्तारी की गई। बताते चले कि जांच दल यह भी मानता है कि मीडिया ने मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया और उसके लिए गैर जिम्मेदाराना तरीके से रिपोर्टिंग की और यह रेड टॉप पत्रकारिता करार दिया। फुलवारी टेरर मॉड्यूल और आतंक की फुलवारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मीडिया ने इस मामले में लगातार गलत खबर चलाई जिससे एक समुदाय बदनाम हुआ, PUCL का ये कहना है। जांच दल ने अपने अनुशंसा में कहा कि मीडिया को समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का टूल नहीं बनना चाहिए और अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखना चाहिए। फुलवारी टेरर मॉड्यूल और आतंक की फुलवारी जैसे शब्दों को इस्तेमाल पूरे मामले को सनसनीखेज बनाता है और गलत रिपोर्टिंग पाठकों को किसी समुदाय के खिलाफ खड़ा करके समाज को एक खेमे में ध्रुवित कर देता है, इसलिए ऐसी खबरों से बचना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और ऐसी अन्य संस्थाओं से PUCL ने ये मांग की कि इस तरह की पत्रकारिता के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि समुदायों के बीच आगे बैर भावना नहीं हो। जांच दल पूरी तरह से खेमेबंदी और भय के परिवेश में सिविल सोसाइटी के सदस्यों से अपेक्षा करती है कि शांति सद्भाव के लिए मीटिंग करवाने के लिए वो आगे आएँ ताकि दोनों समुदायों के लोगों में अफवाह और भय का वातावरण खत्म हो। PUCL थ्रेटवेयर जांच भी करती है। एक जांच तो ओवरऑल था जिसके आधार पर ये जांच दल गठित हुआ, जिसमें संदिग्ध बात लग रहा था कि ये ठीक नहीं चल रहा है। पुलिस के ट्रायल प्रोसेस में जो दोष हुआ, जिसका पहला रिकमेंडेशन में पहले पैराग्राफ में है और दूसरा पैराग्राफ में सीधे हम लोग इस मामले में मतलब सेंसेशनलाइज करना, असंवेदनशील होना अखबार की भूमिका और एक अखबार की भूमिका आतंक की फुलवारी लिखना। फुलवारी का एक छोटा सा हिस्सा है, कई कॉलोनी वहाँ है, फुलवारी बहुत बड़ा एरिया है और उसके छोटे से हिस्से में एक दो मकान के ऊपर रेड हुआ। वहाँ न फायर आर्म्स मिलने की कोई बात है, न कोई ट्रेडिशनल लाठी भाला की बात है। बात है कि वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी, मॉड्यूल था, उसके बावजूद जो पुलिस के प्रोसेस में है। जांच दल में जाने माने समाजसेवी चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी, पुष्पेंद्र कुमार सिंह, नंद किशोर सिंह, प्रीति सिन्हा, अधिवक्ता अशोक कुमार और अधिवक्ता कुमारेश सिंह शामिल थे। कानूनों के हिसाब से अपनी बात रखता है वो, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है उसका, कोई इसमें कोई पॉलिटिकल स्टैंड लेकर के वो काम नहीं करता है। जनता का मानवाधिकार सुरक्षित रहे, हमारी रिपोर्ट भी उसी आधार पर तैयार की जाती है और वही हमारी अनुशंसाएं भी होती हैं। विमर्श न्यूज़ पटना।